फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं, तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारे पास एक पैरट था जिसका नाम हमने पाब्लो रखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप नीचे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप हमारी एक फैमिली की तरह है, तो आपकी तरफ से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स दोनों आते हैं, तो हमें दोनों को लेकर चलना पड़ता है। जिन लोगों ने पॉजिटिव कमेंट करे हैं वो शायद हमारी इंटेंशन को समझ पाए हैं, बट जिन्होंने नेगेटिव कमेंट करे हैं तो उन लोगों को मैं इस वीडियो के जरिए जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि सभी लोगों के आंसर तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, बट किन्हीं जवाबों के जरिए मैं सभी लोगों के, मुझे लगता है कि सभी लोगों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक उस वीडियो से रिलेटेड है जो कि जिस वीडियो में हमने अपने पैरट मतलब कि पाब्लो को सर पे जाके मतलब रिलीज कर दिया था, आजाद कर दिया था। तो उसी वीडियो को लेके काफी ज्यादा लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करे हैं, तो उन्हीं सभी के जवाब मैं देना चाहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमेंट जो है वो निधि ने किया है। निधि लिखती है कि नॉनसेंस पालना नहीं था तो खरीद कर उसे उससे बाउंड भी नहीं करना चाहिए था। तो निधि, फर्स्ट तो थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए। तो निधि, मुझे लगता है कि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक ऊपर दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो हमने पाब्लो को खरीदा नहीं था, वो हमें मिला था, मेरे हस्बैंड को उनके होटल में मिला था, इसीलिए वो उसको घर ले आए थे। नेक्स्ट कमेंट है हिंदुस्तानी जी का। हिंदुस्तानी जी लिखते हैं, ज्ञानी लोग पालतू जानवर को आजाद करने से पहले पता कर लेते कि पालतू जानवर को मार देते हैं। हिंदुस्तानी जी, फर्स्ट तो ज्ञानी हम बिल्कुल नहीं है, अगर हमें इतना ज्ञान होता तो शायद हम उसे रिलीज नहीं करते, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बाहर के जो बर्ड्स है और वो उसे मार देंगे, तो हमें ये बिल्कुल नहीं पता था, बट आपके ज्ञान देने के बाद हमें पता चल गया है कि ऐसा हो सकता है। तो पहले तो हम नहीं थे ज्ञानी, बट आपके ज्ञान से हम बन गए हैं थोड़े से ज्ञानी। जो नेक्स्ट कमेंट है वो है कुक विद सना का, लिखती हैं, जो बर्ड को आप घर में पेट बनाकर रखते हो फिर उसे आजाद नहीं करना चाहिए, उसे आसमान के परिंदे जिंदा नहीं रहने देते। सना, वी आर सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा होता है। अगर हमें पता होता तो शायद हम फिर बिल्कुल रिलीज नहीं करते, हम शायद किसी को दे देते जो हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से उसे रख पाता, या जहाँ पे पैरट्स, बहुत सारे पैरट्स होते हैं वहाँ पे उसे दे देते। हमें लगा कि उसे रिलीज करने से उसको एक आज़ादी मिलेगी, उसे उसके फ्रेंड्स मिलेंगे जहाँ वो रह पाएगा, खुश रह पाएगा, इसलिए हमने उसे आज़ाद किया था। मतलब हमारा इंटेंशन जो था वो काफी साफ और क्लियर था कि वो खुश रहे बाहर, बस यही था। तो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है एन एन जी लिखते हैं, स्टूपिड एस पीपल, वाई यू वॉन्ट टू कीप सम एनिमल टिल दे फॉरगेट हाउ टू लिव इन वाइल्ड एंड देन लीव देम अलोन टू डाई। तो NNG, पहली बात तो आपने भी वही कहा है जो बाकी सब लोगों ने कहा है, बट बाकी लोगों और आपके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसा आपने लिखा वो शायद आपके लिए सही होगा, बट हमारे लिए वो गलत है। बट मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सवाल का जवाब देने की जरूरत है, आपको बाकी जवाबों में आपका जवाब है वो मिल गया होगा। तो नेक्स्ट कमेंट पे रंजना राजीव जी लिखती है, पागल लोगों, उसको किसी जंगल में छोड़ देते, यहाँ तो कुछ खाने पीने के लिए वह किसके घर जाएगा बेचारा। तो रंजना जी, पहली बात तो हम पागल बिल्कुल नहीं हैं, अगर पागल होते तो हमें आपका कमेंट बिल्कुल नहीं समझ आता, बट हमें आपका कमेंट समझ आ गया है। और जहाँ तक उसके खाने पीने की बात है, तो बाकी बर्ड्स जैसे अपने खाने का इंतजाम करते हैं वैसे ही शायद वो भी अपने लिए खाने का इंतजाम कर रहा होगा, हम बस उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो जहाँ रहे बस खुश रहे। नेक्स्ट कमेंट है संगीता नेगी जी। संगीता नेगी जी लिखती है, मुझे आप दोनों से नफरत हो गई है आज के बाद, सेल्फिश हो आप लोग, मुझे नहीं देखना आपका पूरा व्लॉग। तो संगीता जी, सेल्फिश तो बिल्कुल नहीं है हम, और प्लीज हमसे नफरत बिल्कुल मत करिए, आप नफरत करेंगे तो कैसे चलेगा। और जहाँ तक व्लॉग देखने की बात है, तो प्लीज हमारे सारे व्लॉग देखिएगा और पूरे व्लॉग देखिएगा, हम किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते थे, हम जस्ट हमारे दिल ने जो कहा हमने वही किया। नेक्स्ट कमेंट है ऐश राव जी लिखते हैं, पागल इंसान, जब संभाल नहीं सकते हो तो उन्हें वाइल्ड से अपने घर क्यों लाते हो आप लोग, अब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐश राव जी, आपका इस सवाल का जवाब मैं क्या ही दूं, आपको इसका जवाब मेरे सारे जवाबों में मिल ही गया होगा। नेक्स्ट जो कमेंट है वो द मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ब्लॉग्स लिखते हैं, आजकल नॉन वेज लोग बर्ड्स को आजादी देने की बात करते हैं, सही है,
शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट माइंड प्लीज। द मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ब्लॉग जी, हमने आपके कमेंट को बिल्कुल माइंड नहीं किया है। और जहाँ तक नॉनवेज की बात है तो मैं प्योरली वेजिटेरियन हूँ, और जहाँ तक आज़ादी देने की बात है तो हम इतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम किसी को आज़ादी दे पा रहे। दिल को जो सही लगा हमने वो किया, और हमें लगा कि वो बाहर ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा, ज़्यादा खुश रह पाएगा, इसलिए हमने उसे रिलीज़ किया। तो नेक्स्ट कमेंट है हर्षु महनू जी का, वो लिखते हैं कोई बुरा नहीं लग रहा है तुम दोनों को। तो हर्षु जी, हमें सच में बुरा लग रहा था जब हम उसे रिलीज कर रहे थे, क्योंकि अगर आप किसी बर्ड या एनिमल को अपने साथ रखते हो, अपना फैमिली मेंबर बनाते हो, तो आपको लगाव हो ही जाता है। और अगर आप उसे कहीं छोड़ते हो या फिर अगर उसको कुछ होता है तो आपको बुरा लगता है, सभी को बुरा लगता है। बट शायद आपको इसलिए नहीं फील हुआ कि हमें बुरा लग रहा है क्योंकि हम रोए नहीं थे। तो बाकी लोगों की तरह हम शायद वीडियो में रो के नहीं दिखाया हमने, इसलिए शायद आपको नहीं लगा कि हमें बुरा लगा, बट हमें जनरली बुरा लगा था। ऑलमोस्ट सभी के कमेंट्स से हमें एक ही बात समझ आई, सभी लोग यही कहना चाहते हैं कि जो वर्ड आप अंदर रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको बाहर छोड़ने के बाद वो बाहर सरवाइव नहीं कर पाता, और बाकी के जो वर्ड्स है उसे नहीं जिंदा रहने देते। तो यही हमें समझ आया, तो शायद हमसे गलती हो गई है, तो हम उसके लिए सॉरी कह सकते हैं। बाकी हमारा इंटेंशन बिल्कुल सही था, हम दिल से चाहते थे कि वो बाहर खुश रहे, आज़ाद रहे। तो यही था इस वीडियो में, आशा करती हूँ कि आपको सभी के जवाब मिल गए होंगे। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आप भी कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।